प्रणाम हो से। हाँ बाके क्या हाल है बेटा? बस अब ठीक ठाक, मेहरबानी है आपकी। देखिए वो अपने 8 नंबर की खोली है ना, उसके लिए किराएदार हैं लड़के, अच्छी लड़के हैं। नमस्ते, हेलो। ठीक तो है ना सब? हाँ सब बढ़िया है, एक रेडियो में काम करती है और बाकी कुछ, बाकी सब देख लेंगे। अरे बेटा हाँ, तो हम दिखा दें। हाँ हाँ व्हाइट हाउस तेरा ही है, जा ले जा दिखा। प्रणाम हो, आइए आइए जा बेटा। चलिए चलिए चलिए। वो क्या है कि लड़कियां बहुत अच्छी है। आइए मैडम, देखिए ये व्हाइट हाउस का सबसे जो है एंटीक कमरा है। एंटीक क्या है? टीक उड़ का बना है, इसीलिए लग ही रहा है। लग रहा मतलब 100 साल पुराना कमरा है मैडम, 100 साल, समझती हैं आप? 100 साल। ये दीवार पिछले 100 साल से खड़ी है और सामने वाली दीवार को लगातार देख रही है लेकिन बात नहीं होती। अरे बाजू वाली दीवार लगातार 100 साल से यही खड़ी है और सामने वाली दीवार को देख रही लेकिन बात नहीं होती। अरे बात नहीं होती तो क्या बात नहीं हुई? बात कर रहे हैं आप, हटिए जरा। अब सोफे से होता हुआ ये रास्ता सीधा गया, देखिए किचन है। ये किचन, ये देखिए जाम रखा है, गैस का चूल्हा है नीचे और बगल में है बाथरूम, बाथरूम में नल भी है, किचन में भी है लेकिन पानी एक ही माता है। या यहाँ कर लो या वहाँ कर लो, कुल्ला क्या है, चाल में एक ही बार पानी आता है सुबह 4 बजे, भल्लिया नहीं तो कुल्ला कर लिया, करेक्ट है। और क्या है, चौल में पानी लेने देने की प्रथा कतई नहीं। और देखिए यहां से अगर खड़े हैं आप यहां पर और आपने एक सर्कुलर मूवमेंट लिया ये, तो सीधे आप आ गए ड्रॉइंग रूम में, है कि नहीं? अब आप पूछेंगे कि बेडरूम कहां है, तो पूछिए कहां है, ये रहा बेडरूम। क्या है कि 1 बेडरूम सेट है, इसीलिए सेट है, है? ये देख रहे हैं ना, ये टेबल देख रहे हैं आप? खैर छोड़िए, टेबल को छोड़िए, ये गुलदस्ता देख रहे हैं आप, फ्लावर पॉट। अच्छा बताइए कितने साल पुराना होगा? 100 साल। गलत जवाब, आप बताइए। कोई 110। बिल्कुल गलत, 105 साल पुराना है। हा? क्या है, बहुत बड़े अंग्रेज ने गिफ्ट दिया था ये हमारे मकान मालिक को और देखिए आज कैसा चमचमा रहा है। हा? अच्छा ये बताइए फूल, फूल फूल देख रहे हैं आप, अंदाजा लगाइए कितने साल पुराना होगा? अब गुलदस्ते के हिसाब से तो 115 साल। गलत जवाब, सुबह ही ताजा माली ने तोड़ कर लगाया है। सुंगे? खैर अभी देखिए, अब यहाँ से अगर हम सीधे निकल जाएं इस तरफ, मतलब स्टेट सीधे यूं चले जाएं तो सीधा ये रास्ता जाता है खिड़की पर और सामने ही सूरज भगवान, सुबह सुबह दिल में हो मन्नत, हाथ में लोटा हो पानी का, तो समझो आपकी मन्नत पूरी हो गई। और आप लोगों की मन्नत तो वैसे ही पूरी हो गई, ये कमरा जो मिल गया आपको, बड़ी किस्मत वाले हैं। तो फिर डील फाइनल है? यस फाइनली, बिल्कुल फाइनल है। चलिए पढ़ा। अरे नहीं नहीं, आपको नहीं कर रहे हैं भाई, क्या है आपके भाग से कमरे के दर्शन हो गए। प्रणाम प्रणाम। ओ पागवाने, आज मैं मच्छी लेके आना, मेरा मछली खान का मूड है। छड़ो जी, आज मच्छी वच्छी नहीं खानी, छड़ो जी। ओ नहीं नहीं, पापलेट बड़ी चंगी है, मैं लाके आना। छड़ो जी छड़ो, मच्छी कमाल दी मछली है, आ गई कलमू ही खसमा नु खानी। सारी खरीदते हैं मछली। हाँ चल 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 चल। अरे चलो तो भाई जो है हाँ, उसे जाके तू पैसे ले आना। और वो जो भाई अर्जेंट काम आया। अरे कोई तूफान आ गया क्या? अरे तूफान नहीं, तूफान की मामी सुनामी, वो मच्छी वाली टीना। टीना की पॉपलेट ले लो, हो फ्रेश फ्रेश, बिल्कुल टीना के माफिक। ए टीना सुनना, मेरे को तू पापलेट दे देना 100 की, कुवारा हूँ मैं। अच्छा ए टीना, मुझे तो तू अपनी सारी मछली दे दे, अरे नगद लूंगा। और मुझे तो ऐसे ही दे दो मछली। ए टीना टीना टीना, 50 में देगी क्या? क्या मछली मछली साला, हो गया सबका। अरे नहीं हुआ ना, मेरे को थोड़ा सा जास्ती। अच्छा तो तेरे को ये कम पड़ गया क्या? ये ले तेरे को जास्ती दियो दियो। ये गबे आई शपथ,
आज तक ना तो ऐसी मच्छी देखी ना ऐसी मच्छी वाली। चलो चलो चलो, सब मछलियाँ बिक गए हैं। अरे चरण कर लो ना, दो बज गई, तुम ही तल लो। तू चल बे हो। बागे भाई एक बात बताओ यार, सारी मछलियाँ बिक चुकी तो रात को चखने में मैं क्या खाऊंगा? मैं आऊंगा सपने में चखने में। हैं? तोड़ रे। चल ये बागे आना सपने में। कैसे हैं आप टीना जी, मतलब बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आसुदे आसुदे, तू भी बड़ा दिसता छैला। सच्ची फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रहे हैं आप? के दे रहे अब अपनों के साथ काय की फॉर्मेलिटी? हम अपने सच्ची मुच्छी पैक कर दो। की दे रहे मच्छी मच्छी। हाँ ये घे। क्या मासोड़ी ये आनी की दे रहे घे। जाता। निकल लो। ये नाटक पता नहीं कब खत्म होगा। बाय। देखिए जाना भी कितना खूबसूरत। लाइफ तो मैं बना ही दूंगा। श्रीदेवी को ले लीजिए, माधुरी को, ऐश हो या रानी, सबकी लाइफ मैंने ही बनाई है। सुभाष जी हो या यश जी, रामू जी हो या संजय जी, जब भी कोई फिल्म बनाते हैं ना कास्टिंग में ही करता हूँ। अगर तुमने मेरी बात मानी तो वो दिन दूर नहीं जब हर मल्टीप्लेक्स में तुम्हारी फिल्म लगी होगी और भीड़ शन्नो शन्नो कहके तुम्हारे पीछे दौड़ रही होगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मैं हूं ना, आदमी को कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज? मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। क्या? हाँ मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं ड्रेसेस भी अपने घर से लेकर आऊंगी, मैं टाइम से पहले शूट पर पहुंचूंगी और सेट पर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। मैं हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। नो बेबी नो, इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज किसी और तरीके से होता है, यहाँ प्रोड्यूसर को खुश करना पड़ता है। जी मैं तैयार हूँ, मैं प्रोड्यूसर को अच्छे अच्छे जोक्स सुनाऊंगी, उनके साथ सेट पर बैठूंगी, उनसे मीठी मीठी बातें करूंगी, मैं प्रोड्यूसर को हर तरीके से खुश रखूंगी। बस आप मुझे एक मौका दिला दीजिए और फिर देखना मैं कैसे बड़ी बड़ी हीरोइनों की छुट्टी करती हूँ, फिर आप भी ऐश्वर्या, रानी, माधुरी और श्रीदेवी की तरह मेरा भी नाम लिया करेंगे। मैं जानता हूँ बेबी कि तुम्हें वो हर बात है जो एक हीरोइन में होनी चाहिए। तुम मासूम हो, खूबसूरत हो, दिलकश हो, लेकिन यहाँ दिमाग नहीं खूबसूरती बेची जाती है। प्रोड्यूसर को है ना दिमाग की नहीं जिस्म की खूबसूरती पसंद, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर तुमने प्रोड्यूसर की एक रात रंगीन कर दी ना तो तुम्हारी सारी रात रंगीन हो जाएगी। आप बिजनेस मैनेजर हैं या दलाल? आइंदा अगर अपनी शक्ल दिखाई तो जान से मार दूंगी। देखिए आप मुझे गलत समझ रही है, एक्चुअली मैं तुम्हारा सब मतलब समझ गई हूँ, आज के बाद मुझे दिखाई मत देना। हेलो मैडम, तनख्वाह आप सोने की लेते हैं या काम करने की? सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा मैडम, ये एक प्राइवेट सेक्टर जॉब है, कोई सरकारी ऑफिस नहीं, समझिए आप। यहाँ जितना पैसा मिलता है उससे कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है। एनीवे मैं समझता हूँ ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा, समझिए आप। हाँ काम कीजिए। ओके। सर मैं आई कम इन? आप आ चुके, बोलिए किसी भी टॉपिक पे बोलिए। नहीं सर हम तो वो रेडियो पे। देखिए आप घबराइए मत, ये रेडियो जॉकी का जॉब है, यहाँ पर बिंदास होकर आप बोलिए, आपके जो दिल में आए वो अपनी जुबान पे लेके आइए, बोलिए। नहीं सर घबराने की तो कोई बात नहीं सर, जूता तो मतलब आदमी की जिंदगी में बहुत महत्व रखता है सर। जूते? इंटरेस्टिंग, जूते पर बोलिए चलिए। जूता नहीं हो आपके पैर में तो आपकी तो कोई औकात ही नहीं रह जाती।
आप गर्मी में चले जाइए बिना जूता पहने, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, हमसे पूछिए सर। बारिश में चले जाइए बिना जूते के तो पूरे पैर कीचड़ में सन जाते हैं सर। मतलब मैं तो कहता हूँ सर के मतलब जूता आदमी के लिए बना है और आदमी जूते के लिए बना है। सूट हो आपने पहना हुआ और बूट ना हो तो सूट की वैल्यू भी दो पैसे की रह जाती है सर। खेल के मैदान में जूता नहीं पहन के जाइए तो चोट लग जाती है और मंदिर में पहन के जाइए तो पाप लगता है। बड़े बड़े लोग ना सर आदमी की काबिलियत उसके जूते से नापते हैं सर। एक एग्जांपल याद आया सर, सर आपने धड़कन पिक्चर देखी होगी तो उसमें सुनील शेट्टी के जूते में अगर छेद नहीं होता तो उसकी शादी कोई रोक ही नहीं सकता था शिल्पा शेट्टी से, है ना सर? सर मतलब शादी कोई उसकी रोक नहीं सकता था, तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं बस कि मतलब आदमी को अपने जूतों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और उसको मतलब बिल्कुल पॉलिश वॉलिश करके चमचमाता हुआ रखना चाहिए सर, और ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी में ना भीग जाए, बस यही कहना था। गुड गुड गुड, आई लव्ड इट मैन। कम हियर इधर आओ। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन? यस, कल से आ जाओ। थैंक यू। बन गई लाइफ ना। कैसे दिखाई मत देना सर, ये मेरा काम है, मैं एक एमआर हूँ सर, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। देखिए सर, ये जो मेरा तेल है ये गंजापन दूर करता है और सर ये मार्केट में बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। सर इसका नाम ऐसे ही उगजा सिमसिम नहीं है। देखिए सर, जब आप इसको अपने सर पर लगाते हैं तो ये सर की जड़ों को खोल देता है और सर उसमें से नए 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 बाल उगाते हैं। अब देखिए सर, आप इसे एक बार पुश करके देखिए। आई एम श्योर सर, आपके ग्राहक ने इसे एक बार सर पे लगाया ताकि जो रह सहे बाल हैं वो भी गायब हो जाएं। नहीं सर, देखिए सर आप मेरा मतलब नहीं समझ रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूँ। अरे जब इस डब्बे के ऊपर बैठे गंजे के सर पर आज तक एक भी बाल नहीं होगा तो ग्राहकों के सर पर क्या खाक उगेगा? नहीं सर, देखिए सर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए सर, मैं अभी आपका कंफ्यूजन एकदम दूर कर देता हूँ। देखिए सर, ये जो आप डब्बे पर फोटो देख रहे हैं ना सर, ये हमारे मालिक के दादा की है। इनफैक्ट सर आप ये कहिए कि उनके भी दादा के दादा के दादा की है। इनफैक्ट सर ये उनके भी दादा के परदादा की फोटो है सर। बेटा कंफ्यूज मैं नहीं, कंफ्यूज तुम हो रहे हो। नहीं नहीं सर, देखिए आप अभी भी नहीं समझ रहे सर। क्या है, ये जो हमारे मालिक है ये खानदानी गंजे है और इनकी पीढ़ी में आगे चलकर कोई भी गंजा पैदा ना हो इसलिए उन्होंने इस खूबसूरत से तेल का निर्माण किया है, उगजा सिमसिम। बस अब अगर एक शब्द भी और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये पकड़ अपना सड़ा हुआ तेल और सड़ा हुआ थैला, निकल ले पतली गली से 11 नंबर की बस पकड़ के। आइंदा इधर नजर मत आना और अगर नजर आ गया तो तेरे पीछे कुत्ते छुड़वा दूंगा और वो भी पागल। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा मैं, बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। देखिए सर आप प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। सर प्रॉब्लम मेरी मार्केटिंग में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी कंपनी का ये लोगो। सर आपके दादाजी सर आपके दादाजी मेरे काम में बहुत बड़ा रोड़ा बन गए हैं सर। सर आप एक आइडिया मानिए, आप अपने दादाजी को भी अपनी तरह एक विग पहना दीजिए ना सर प्लीज, तो मैं मार्केट में सारा माल ऐसे भर दूंगा सर कि कोई दूसरा प्रोडक्ट नजर ही नहीं आएगा सर। चुप चुप, क्या चाहते हो तुम? सर मैं तो मैं अपने महान दादाजी की डिग्निटी को खत्म कर दूं। नहीं सर, उनकी पहचान को मिटा दूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो और एक हफ्ते के अंदर मुझे रिजल्ट आकर दो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम अपनी गंदी मनहूस बदसूरत शक्ल लेकर दोबारा मेरे पास मत आना। आउट जी, आउट आउट।